पीएम मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और वही होता दिख रहा है। पीएम के 10 साल के कार्यकाल में काले धन को बाहर लाने के लिए ईडी ने पूरे देश में इतनी छापेमारी कर डाली है करोड़ों के नोटों का पहाड़ खड़ा हो जाए। हालांकि विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता आ रहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ओडिशा और झारखंड में इन दिनों चुनावी माहौल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें करोड़ों की हेराफेरी के साथ हजारों करोड़ रुपए बरामद किए गए। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने देश में घोटाले का बनाया नया कीर्तिमान। मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि पैसों की दुकान। नहीं खत्म हो रहा कांग्रेस सांसद धीरज साहू का गुप्त खजाना। पैसे गिनते गिनते थक गई मशीनें। प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों गारंटी की बात कर रहे हैं और उनकी प्रमुख गारंटी भ्रष्टाचार को जोर से खत्म करना है, काले धन को बाहर लाना है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर कांग्रेस के एक नेता के यहां से 300 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किया है। इनकम टैक्स विभाग ने लगातार 3 दिन तक छापेमारी करी। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के राज्य स्थित आवास पर इनकम टैक्स की कार्यवाही लगातार जारी है। वहीं आयकर की टीम ने ओडिशा के बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर पर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। वहीं इससे पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में रखी 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की थी। यानी अब तक कुल 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं और अभी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी। आयकर विभाग को अब तक ओडिशा के टीटलागढ़, बलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। नोट गिनने के लिए 44 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। अब आपको बताते हैं कि धीरज साहू के किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई। ओडिशा में बोर्ड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापेमारी। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर छापेमारी। बोर्ड डिस्टिलरीज के भुवनेश्वर स्थित कॉरपोरेट ऑफिस पर छापेमारी। बलांगीर के सुदापाड़ा और टीटलागढ़ के दो शराब व्यापारियों के घर छापेमारी। तो चलिए आपको बताते हैं कि धीरज साहू आखिरकार कौन है। 23 नवंबर 1955 को रांची में धीरज साहू का जन्म हुआ। धीरज साहू 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। धीरज की एक वेबसाइट भी है जिसमें वे खुद को एक कारोबारी भी बताते हैं। आजादी के वक्त से ही धीरज साहू का परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। धीरज 1977 में लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। 2018 में दायर हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी। साथ ही उन्होंने 2.4 करोड़ चल संपत्ति की जानकारी भी दी थी। और आपको बता दें कि अभी भी एजेंसियां धीरज साहू के ठिकानों पर मिले पैसों की गिनती कर रही है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर।